नमस्कार, इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप पीछे हमारे एक फ़ोटो देखकर समझ गए होंगे कि आज हम बात किस बात की करने वाले हैं। बात इस बात की है ग्वालियर के सभापति चुनाव को लेकर। बड़ा आज कसमकश चलती रही, लंबे समय तक दौड़ जो है, पार्षदों की जो दौड़ है, दिल्ली तक लगी। दिल्ली के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। बीजेपी ने सभी पार्षदों को एक बस में बैठा के दिल्ली लेके आए, बड़े नेताओं से मिलवाया। वहीं जब कांग्रेस ने देखा कि सब पार्षद दिल्ली पहुंच गए हैं, तो उन्होंने भी अपने तरफ से कवायद की और वो सबके सब जो पार्षद कांग्रेस के थे उनको राम राजा मतलब ओरछा लेके चले गए। लेकिन आज चुनाव था, चुनाव के परिणाम भी आ गए। ये कह सकते हैं कि दोनों की तरफ से जो कवायद की गई थी उसके परिणाम भी दोनों ही पार्टियों के लिए कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ उनके जैसा सोचा होगा उसी के परिणाम के आसपास रहा। बीजेपी की जीत जरूर हुई है। बीजेपी ने इस पूरे जो सभापति का चुनाव हुआ उसमें जीत हासिल की है, और जीत हासिल में जो बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट थे उन वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि उनके ऊपर केंद्रीय नेताओं का हाथ है, बीजेपी की केंद्रीय नेताओं का हाथ है, उनके ऊपर उनकी कृपा है। उस कृपा का कहीं ना कहीं असर दिखाई दिया, जो हमारे बैकग्राउंड में दिखाई भी दे रहे हैं। ये सभापति बन गए और इनको जो वोट मिले हैं वो टोटल इनको पास 34 वोट मिले हैं, जो कांग्रेस है उनको 33 वोट मिले। जैसा पीछे आप देख रहे हैं कि उसमें दिख रहा है कि साहब एक वोट से कांग्रेस का सभापति नहीं बन पाया। हालांकि अभी जो ग्वालियर नगर निगम की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस का महापौर है और सभापति अब बन गया है बीजेपी का। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप कि जो दिखाई देगा, जो विकास के कार्य दिखाई देंगे वो अब बिल्कुल बराबर में चलेंगे। महापौर यदि चाहेंगे तो सब पूरे ग्वालियर के विकास की बात होगी, यदि अब सभापति चाहेंगे तो वही प्रोजेक्ट पर बातचीत होगी। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक तालमेल और पार्षदों के साथ में एक बातचीत करके एक कह सकते हैं कि पक्ष विपक्ष इस बार ग्वालियर में मजबूत दिखाई देगा। और हालांकि हम आपको चलते चलते ये भी दिखाएंगे कि दोनों ने जो सभापति बन गए हैं उन्होंने जीत के बाद क्या कुछ कहा इंडिया न्यूज से, वो भी आप सुनिए। सच्चाई की जीत होती है। हमारे पास संख्या बल था, उनके पास 25 सदस्य थे, फिर भी लास्ट तक जोर लगा रहे थे। तो आप खुद जानते हो कौन खरीद फरोख्त की राजनीति कर रहा है। मनोज सिंह तोमर को 34 वोट मिले हैं और लक्ष्मी सुरेश गुर्जर को 33 वोट मिले हैं, इसलिए जो है जो मनोज तोमर हैं उनको निर्वाचित घोषित करते प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।